नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग डेली करेंट अफेयर्स के अंतर्गत 18 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करेंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के यानी कि 18 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया। दोस्तों, वर्ल्ड स्लीप डे की बात करें तो मार्च के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है और इस बार यह 17 मार्च को मनाया गया है। याद रखिएगा, 17 मार्च वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया है। इसकी शुरुआत 2008 ईस्वी में हो गई थी और यह मनाए जाने का उद्देश्य है कि पर्याप्त नींद के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया है, 17 मार्च। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी। दोस्तों, इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां पहली बार मेघालय में चलेगी। लंबे इंतजार के बाद अब जाकर मेघालय को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। तो याद रखिएगा, मेघालय इसका सही आंसर है। अगर बात किया जाए मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में अभी हाल ही में फागू चौहान की नियुक्ति हुई है, जो पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, मेघालय इसका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव बने हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार और वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। जी हाँ, स्काई ट्रैक्स जो है प्रत्येक वर्ष दुनिया भर के 100 एयरपोर्ट्स का एक सूचकांक तैयार करती है और इसमें इस वर्ष सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट पहले स्थान पर रहा। दोस्तों, अगर बात किया जाए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, यह लगातार 5वीं बार भारत और दक्षिण एशिया का टॉप एयरपोर्ट रहा है और अगर वैश्विक स्तर पर इसका सूचकांक देखें तो इसमें यह 36वें स्थान पर है। याद रखिएगा, तो स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में टॉप पर रहा सिंगापुर और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 36वें स्थान पर है। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, 2 दिवसीय एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां होगी। दोस्तों, एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो 2 दिवसीय होगा, यह लखनऊ में होगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यह गोमती नदी के किनारे बसा है। अगर बात किया जाए एससीओ की, तो एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 ईस्वी को बीजिंग में हुआ था। एससीओ, जिसका पूरा नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्तमान समय में इसके 8 सदस्य देश हैं। भारत 2017 ईस्वी में एससीओ का सदस्य बना था और 2023 ईस्वी में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान इसके 9वें सदस्य के रूप में जुड़ सकता है। तो याद रखिएगा, 2 दिवसीय एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी, तो लखनऊ में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना। दोस्तों, यूक्रेन को MiG-20 देने वाला पहला नाटो सदस्य देश बना है पोलैंड। जी हाँ, पोलैंड यूक्रेन को MiG-29 विमान दिया है। दोस्तों, अगर बात किया जाए नाटो की, तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1947 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी में हुआ था और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान समय में नाटो में 30 सदस्य देश हैं। याद रखिएगा, तो यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना है, तो पोलैंड। पोलैंड की राजधानी कहाँ है, वारसा। वारसा विस्टुला नदी के किनारे बसा है। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, भारत को 2023 ईस्वी में G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है। G20 के अंतर्गत 11 एंगेजमेंट ग्रुपों की भी बैठक भारत में ही होगी और इसी के अंतर्गत एक है स्टार्टअप 20 की बैठक सिक्किम में की जाएगी। तो इसका सिक्किम सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ। दोस्तों, इसका आंसर होगा भूटान। भूटान दक्षिण एशिया का देश है जिसकी राजधानी थिम्पू है। भूटान दुनिया का कार्बन निगेटिव देशों में से एक है। दुनिया में 2-3 ही देश हैं जो कार्बन निगेटिव हैं और उनमें से एक है भूटान। भूटान के प्रधानमंत्री लोतोय शेरिंग हैं, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में किसने स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किया। दोस्तों, स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण अभी हाल ही में नासा ने किया है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी को हुआ था। नासा का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। तो याद रखिएगा, नासा स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण
किया है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं दसवें और अंतिम प्रश्न की ओर। दसवां और अंतिम प्रश्न है, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी बाबा प्रदर्शनी का आयोजन किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका ने भारत के साथ मिलकर नई दिल्ली में जेफरी बाबा प्रदर्शनी का आयोजन किया। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।